वेलकम टू बैचलर्स कुकिंग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मैंगो मिल्क बिस्किट। इसके लिए हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, दूध का भी इस्तेमाल करेंगे, मैंगो का भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या क्या हमें चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा हेल्दी बिस्किट बनाएंगे, कम बटर का इस्तेमाल करेंगे इसमें हम। तो इसके लिए हमें चाहिए दूध, क्योंकि मैंगो मिल्क बिस्किट है, बटर, मैदा, शुगर है, कैस्टर शुगर जिसको हमने चीनी को पीस लिया है, ये मिल्क पाउडर या स्किम्ड मिल्क जिसको कहते हैं वो है। इसके अलावा थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और ये मैंगो है मेरे पास, ये मैंगो का इस्तेमाल करेंगे हम। मैंगो को दूध के साथ मिला के इसका एक मैंगो शेक जैसा बनता है। मैंगो शेक थोड़ा पतला होता है, थोड़ा थिक, जिसमें मैंगो ज़्यादा हो और दूध कम हो, ऐसा एक शेक तैयार कर लेंगे, जिससे हम ये बैटर तैयार करेंगे हमारे बिस्किट का। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैंगो और मिल्क को मिला के एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं या थिक सा मैंगो शेक तैयार कर लेते हैं। तो एक ग्राइंडर ब्लेंडर जो कहें आप इसको, वो ले लेता हूँ मैं, और इसमें मैं डालता हूँ ये मैंगो के पीसेस, मैंगो को छील के और उसके पीसेस छोटे छोटे डाल रहे हैं हम इस तरह से। ये जो दूसरा मैंगो है इसको भी मैं छील लेता हूँ, जो पल्प है, जो गूदा है वो हम ग्राइंडर में डाल देंगे। और इसमें अब डालेंगे हम थोड़ा सा दूध, दूध ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने जैसा बताया ठीक रखना है, और साथ में डाल देंगे चीनी, ये पिसी हुई चीनी ली है मैंने, 2 चम्मच के लगभग चीनी डाल दें आप इसमें, जितना मीठा आप पसंद करते हो उस हिसाब से इसको डालें और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। तो ये थिक सा पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, काफी थिक है। अब हमें क्या करना है, इसको साइड करते हैं और एक बोल में ले लेते हैं मैदा, लगभग 50-60 ग्राम मैदा ले लेते हैं, और इस मैदा में हम डालेंगे स्किम मिल्क लगभग 2 चम्मच, साथ में डालेंगे हम 1 चुटकी बेकिंग सोडा और इसको मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर, रूम टेम्परेचर पर बटर है हमारे पास, और ये बटर डालने के बाद इसको फोल्ड करते जाना है इस तरह से, ताकि जो बटर है वो पूरे हमारे ड्राई इंग्रीडियंट में इवनली मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा बटर का इस्तेमाल नहीं करना है, 2 से 3 चम्मच बटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर आना चाहिए वो मैंगो और मिल्क का आना चाहिए, मैंगो मिल्क बिस्किट है। बटर केवल इसलिए कि बिस्किट जो है हमारे वो थोड़े खस्ता होंगे। तो ये बटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और अब हमें क्या करना है, ये जो हमने दूध और मैंगो का एक थिक पेस्ट बनाया है ये 1-1 चम्मच करके इसमें डालते जाएंगे। और इसको मिक्स करके एक बैटर बन देना है हमें, जैसा रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं उस तरह का बैटर तैयार कर लेना है। थोड़ा सॉफ्ट ही बैटर बनाना है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं बनाना है, लेकिन हल्का सा, ताकि जिससे जैसे रोटी बेली जाती है उस तरह से बेल जाए, बहुत हार्ड बैटर नहीं रखना है। और हम अब इसको गूंथ लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमारा बैटर जो है अच्छी तरह से तैयार हो गया है, बैटर नहीं कहना चाहिए इसको, हमने जो आटा है वो अच्छी तरह से गूंद लिया है, यानी कि मैदा का जो हमने मैंगो के साथ मिक्स करके आटा गूंदा है वो तैयार है। अब क्या करना है, इसके बिस्किट्स बना लें। तो बिस्किट्स बनाने के लिए इसके छोटे छोटे पार्ट ले लें, हमें छोटे छोटे से गोले ले लें इसके, जिस साइज के आप चाहते हो उस साइज के, चाहे तो हाथ में थोड़ा सा बटर लगा लें इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से गोल करके
फ्लैट करना है और इस तरह से रोल कर लें ताकि ये इवनली फ्लैट हो। और फ्लैट करने के बाद क्या करना है, एक चाकू लेके ऐसे इसमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद इस तरफ से भी ऐसे कट लगा देंगे ताकि ये मैंगो के स्लाइस जैसा दिखे। और इस तरह से बिस्किट तैयार कर लेंगे और ये बिस्किट आपका तैयार हो गया है। ओवन को प्रीहीट होने रखते हैं 200 डिग्री पे। तो हमारा ओवन प्रीहीट हो रहा है, तब तक हम ये सारे बिस्किट्स तैयार कर लेते हैं। ये हमने सारे बिस्किट्स तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ओवन हमारा प्रीहीट हो रहा है, एक ओवन प्रूफ ट्रे में ये बिस्किट्स हम सेट कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर रखें ताकि अगर ये फूले तो आपस में उनको स्पेस को प्रॉपरली कुक होने के लिए। और अब हम इसको डालेंगे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री पे लगभग 25 मिनट के लिए। और 25 मिनट में ये ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएंगे और आपके मैंगो बिस्किट एकदम तैयार। तो चलिए डालते हैं इसको प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री पे 25 मिनट के लिए। और 25 मिनट बाद आपके मैंगो मिल्क बिस्किट एकदम तैयार हो जाएंगे, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो 25 मिनट हो चुके हैं, हमारे मैंगो मिल्क बिस्किट जो हमने तैयार किए थे ओवन में डाले थे वो एकदम रेडी हो चुके होंगे। चलिए इनको बाहर निकालते हैं और सर्व करते हैं। आपके मैंगो मिल्क बिस्किट एकदम तैयार है, काफी अच्छी मैंगो की खुशबू आ रही है इसमें और जो स्किम मिल्क डाला था हमने उसकी भी काफी अच्छा एक फ्लेवर आ रहा है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा मैंगो मिल्क बिस्किट।